तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पर इमर्सन वाटर हीटर रॉड का यूज करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ही होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाटर हीटर रॉड का यूज करने का सुरक्षित तरीका बताने वाला हूं और वाटर हीटर रॉड यूज करने से संबंधित कुछ खास बातें बताने वाला हूँ, जैसे कि पानी गर्म करने के लिए हमें कौन सा बर्तन यूज करना चाहिए, एल्यूमिनियम का, स्टील का या प्लास्टिक का, और यदि हम पानी का लेवल सीमा से कम रखे या सीमा से ज्यादा रखे तो क्या होगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें झट से, इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहे डट के, क्योंकि हमारा एक्सप्लेन करने का अंदाज होता है जरा हट के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं टाक से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इमर्सन वाटर हीटर रॉड को यूज करने के लिए हमें कौन सा बर्तन यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप वाटर हीटर रॉड को यूज करने के लिए किसी भी तरह का बर्तन यूज कर सकते हैं। आप चाहे एल्युमिनियम का बर्तन यूज कर सकते हैं, स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं, लोहे का बर्तन यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो प्लास्टिक का बर्तन भी यूज कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो वाटर हीटर रॉड होता है उसे यूज करने के लिए हमें किन बातों को जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इमर्सन वाटर रॉड है, इस वाटर हीटर का रॉड है। इसके पीछे में आप देख सकते हैं एक हैंग के लिए यहाँ पर एक पिन लगा हुआ रहता है, जिसमें जो हम यूज करते हैं वाटर हीटर रॉड को किसी बर्तन में, तो हम इससे लटकाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दूसरे सिरे में आपको मिल जाता है इस तरह का पट्टी लगा हुआ देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल यहाँ पर निशान लगा होता है। आप देख सकते हैं ये मार्किंग, आप देख सकते हैं तीर का निशान, आप देख सकते हैं इसका जो नोक है वहां तक इसका मिनिमम लेवल होता है, और इधर आप देख सकते हैं ये जो तीर का निशान है इसका जो नोक होता है वहां तक इसका मैक्सिमम लेवल होता है, जो वाटर का हम यूज करते हैं इसमें इसको गर्म करने के लिए। तो दोस्तों, आप जब यूज कर रहे हैं तो आपको मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के बीच में ही ये जो रॉड है उसको रखना है, जो पानी का लेवल होता है उसे। तो दोस्तों, और मान लो कि अगर हम जो इसका मिनिमम लेवल है उससे हम कम यूज करें पानी तो क्या होगा। तो दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रॉड होता है वह जो मैक्सिमम लेवल होता है यहाँ तक हीट होता है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ तक हीट होता है, और इसका जो सामने वाला सिरा होता है वह सबसे ज़्यादा हीट होता है, मगर ऊपर की तरफ दोस्तों इसका जो हीटिंग पावर है वह थोड़ा कम होता है। मगर दोस्तों, ये जो इसका जो मैक्सिमम लेवल तक का जहाँ तक निशान है वहाँ तक का जो रॉड होता है वह गर्म होता है। अगर हम इसको मिनिमम लेवल से कम रखें इसका वाटर लेवल को, तो इससे क्या होगा, जो ऊपर का जो भाग रहेगा दोस्तों वह गर्म होता रहेगा, जिससे कि अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है बार बार ऐसा करने से तो हमारा जो वाटर हीटर रॉड का जो क्वाइल होता है, ये वाला जो रॉड होता है वह खराब होने के चांस रहता है। तो दोस्तों, आप जब भी यूज करें तो मिनिमम लेवल का जो यहाँ पर निशान है उससे ऊपर ही यूज करें, आप जो मिनिमम लेवल का नीचे में यूज ना करें, भले ही आप उसमें कम पानी यूज करें। और दोस्तों, मान लो कि हम इसका जो मैक्सिमम लेवल है उससे हम अधिक पानी का लेवल रखकर यूज करें तो क्या होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर आप इसका मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा पानी इसमें लेवल को रखकर यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, जब पानी गर्म होगा तो पानी का गर्म जो भाप निकलता है दोस्तों, तो भाप इसके अंदर चला जा सकता है, जिससे कि इसका जो ज्वाइंट होता है, जो इसका कनेक्शन अंदर किया गया रहता है वहाँ पर जंग लग सकता है, और साथ ही साथ आपका जो बर्तन है उस होता है उस पानी में करंट भी आ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो वाटर हीटर रॉड होता है वह खराब हो सकता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आप जब भी वाटर हीटर रॉड का यूज करें तो इसका मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का जो बीच है वहां तक ही इसका पानी का लेवल के रखें, ये सबसे अच्छा बेस्ट होगा। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे पानी कैसे इसमें गर्म करना है सुरक्षित तरीके से। तो दोस्तों, आप किसी भी तरह का बर्तन यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्लास्टिक का बर्तन यूज कर रहे हैं, और दोस्तों आपको पानी का जो लेवल है, जो बर्तन है उसमें आपको पूरा नहीं भरना है, आपको कम से कम 1 इंच छोड़कर ही पानी भरना है, ताकि आप जब रॉड को यहाँ पर इसमें फिट करें तो इसका जो लेवल है वह इसमें आ सके। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सप्लाई अभी देना नहीं है, आपको सारे काम पहले से कर लेना है। आप देख सकते हैं इसका जो मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल है उसके बीच में ही ये जो पानी आपने यूज कर रहे हैं उसको आपको रखना है, पहले आपको रख कर देखना है कि इसका पानी का लेवल कहाँ तक आ रहा है। तो हमने इसको रख दिया है,
अगर इसमें पानी का लेवल मिनिमम लेवल तक चला जाता है तो हम इसमें और पानी डाल सकते हैं। अगर इसमें जो पानी का लेवल मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो हम पानी को निकाल सकते हैं। यानी का पानी का लेवल को आपको इतना रखना है कि मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का जो निशान है उसके बीच में ही आपको रखना है। और एक बात आपको और ध्यान देना है, अगर आप प्लास्टिक बर्तन यूज कर रहे हैं तो इसका जो रॉड है वह इसके बॉडी के साथ टच ना हो, आप इसको थोड़ा हल्की सी उठा कर रखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो पानी का लेवल है, हमने जो मैक्सिमम लेवल है उससे आधा इंच कम यहाँ पर पानी यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको यूज करना है और ये काम आपको बिना सप्लाई दिए हुए ही करना है। आपको सप्लाई देकर ये सब काम कभी भी नहीं करना है, वह सुरक्षित तरीका नहीं है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यह सुरक्षित तरीका है। सारे काम हो जाने के बाद दोस्तों आपको सप्लाई दे देना है और आपको एक बार और चेक कर लेना है कि इसका जो राड है वह हिल कर इधर उधर तो नहीं हुआ है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है और चेक कर लेने के बाद आपको बटन को ऑन कर देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो वाटर हीटर रॉड का जो स्विच था उसे ऑन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कुछ मिनटों में ही यहाँ पर इसका उबाल आने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो रॉड है उसके सामने से आपको देखने को मिल सकता है, हल्की हल्की बुलबुले आपको देखने को मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लगभग इसमें 15 मिनट यूज करेंगे, गर्म करेंगे तो 15 मिनट में आपका पानी गर्म हो जाएगा। मगर दोस्तों आप मायने यह रखता है कि आप कितना बड़ा साइज में बर्तन में पानी यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये जो बाल्टी में हम पानी यूज कर रहे हैं तो इसमें लगभग 15 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर लगभग 15 मिनट इसको यूज कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं इसका जो रॉड के किनारे में आप देख सकते हैं इसमें आपको बुलबुले देखने को मिल रहा होगा, यानी कि ये जो पानी है दोस्तों वह काफ़ी गर्म हो चुका है। दोस्तों पानी इतना गर्म हो चुका है कि आप इसमें जो छू कर देखेंगे तो आपको ज़्यादा गर्म का एहसास होगा अगर हाथ से छू कर देखें। मगर दोस्तों आपको इसको सप्लाई में लगे हुए आपको कभी भी टच नहीं करना है। दोस्तों इसमें करंट तो नहीं आता बट आपको सप्लाई में कंडीशन में आपको छू कर नहीं देखना है। अगर आपको पानी को चेक करना है गर्म हुआ है कि नहीं तो आपको स्विच को ऑफ कर देना है, प्लग को निकाल देना है, उसी के बाद ही आपको पानी को छू कर देखना है कि कितना गर्म हुआ है। और अगर गर्म ना हुआ हो तो आप इसको दोबारा सप्लाई देकर और गर्म कर सकते हैं अपने हिसाब से। मगर दोस्तों यहाँ पर जो पानी है वह काफ़ी गर्म हो चुका है, पानी इतना गर्म हो चुका है कि आप इस जो बाल्टी है बाल्टी के आधे पानी और इसमें डालकर पानी को गर्म कर सकते हैं। यानी कि जो पानी इतना गर्म है कि आप इसमें आधे बाल्टी पानी और डाल सकते हैं नहाने के लिए। दोस्तों इस तरह से आप जो वाटर हीटर रॉड होता है उसका यूज कर सकते हैं सुरक्षित तरीके से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।